लिखो क्वेश्चन 14, लिखो क्वेश्चन 14 क्या कहता है बेटा। वंस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52, टोटल नंबर कार्ड और कार्ड्स इन आ डेक कितने हैं? देखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन आ डेक, लिखो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन आ डेक, यानी एक गड्डी जो है उसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52। हिंदी में रखो है ना, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश शलजम वाला शाय, ताश नहीं लिखा, ताश आया वर्ड है ना, है एक गड्डी में कुल पत्ते, एक गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं बेटा? हाँ बेटा 52 है ना। फिर क्या कहता, एक गड्डी में कुल पत्ते कितने हुए? 52। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। पहला क्या है, आ किंग ऑफ रेड कलर, आ किंग ऑफ रेड कलर यानी लाल रंग का बादशाह, ठीक है, लाल रंग का राजा, राजा लिखा बादशाह लिखा, बादशाह ठीक है। अब सुनो, तो आप किंग ऑफ रेड कलर, पहले आप गड्डी पे आ जाते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गड्डी में पत्ते होते हैं आपको पता है, एक रेड कलर के होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं ना, रेड कलर के और ब्लैक कलर के। पहले रेड कलर का क्या होता है, एक तो आपका ऐसा होता है जिसे कहते हैं डायमंड, है ना, डायमंड। एक ये होता है और एक होता है पान का पत्ता, जिसे हार्ट कहते हैं, हार्ट। एक होता है आपका ऐसे करके, ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, रेड रेड कलर के, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, डायमंड, क्या कहते हैं, डायमंड। इसे क्या कहते हैं, हार्ट। तुम इसे क्या कहोगे, डायमंड क्या लिखा तुम्हारे हिंदी में, और इसे कहते हैं पान। तो पता है ना, तो आपके डायमंड के आपको पता है 52 की गड्डी है, तो 13 पत्ते किसके हुए आपके डायमंड के, ईट के, और 13 पत्ते किसके हुए आपके बाद में, पहले ध्यान समझो, डायमंड ईट के 13 यानी डायमंड के 13, हार्ट के 13, ठीक है, कितने हुआ टोटल, यानी ब्लैक जो रेड कलर के पत्ते हैं, लाल रंग के पत्ते हैं, वो कितने हैं, 26। अब बात करते हैं ब्लैक कलर के पत्ते, ब्लैक कलर, अब इस रंग के पत्ते कितने हुए, देखो इसमें आ जाता है आपका ब्लैक कलर में, एक तो आ गया आपके पास स्पैड, ये आपका ट्री जैसा होता है, ट्री इस तरह से, हाँ जी, और इस तरह से आपका होता है पत्ता, ठीक है ना, ये वाला, ये आपका होता है इस तरह का, अगर आप देखोगे, हाँ, इसको क्या कहते हैं, स्पेड कहते हैं, ये सुन लो, तो इसका नाम क्या बेटा, स्पेड, हाँ जी, ये स्पेड है। स्पेड जो होते हैं वो भी कितने हो गए, 13 हो गए, और उसके बाद बचा आपका क्लब, ये तो आपका स्पेड है, ट्री जैसा होता है क्लब, है ना, ऐसा होता है, या पढ़, हाँ इस टाइप कुछ है, ठीक है, इसे कहते क्लब, हिंदी में कहते चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, ये क्लब है इंग्लिश में, हिंदी में चिड़ी कहते हैं, इसे कहते हैं हुकुम, ठीक है बेटा। तो 13 ये भी हो गए आपके, 13 आपके ये भी हैं और 13 ये है, तो 13 आपके स्पेड है
13 आपके क्लब हैं, 13 आपके हुक्म के हैं, 13 आपके चिड़ी के हैं, ठीक है। तो ये पत्ते आपके हो गए, ठीक है बेटा। तो अब इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समय आ गया? हाँ जी। तो इस यहाँ तक क्लियर है? तो अच्छा, अब क्वेश्चन पूछो, क्या तुम्हारा? हाँ जी भैया, वो मैं पूछ रहा था कि कोई पत्ते होते हैं। अरे आगे बढ़े यहाँ तक समय आ गया। टोटल कार्ड्स इन अ डेक होते हैं 52, बस बात हो गई। तुम यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक, एक गड्डी में कुल पत्ते 52, इसका मतलब वही है, ठीक है। आगे यहाँ तक समय आ गया आपको। लाल कितने हैं आपके? 26, और बचे कितने? 13 प्लस 13 यानी आपके 26 जो हैं वो क्या हैं? ब्लैक हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, अब एक टेबल बनाते हैं। पहले आप बताते हैं हम आपको, आपकी जो होते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले मैं ब्लैक कार्ड्स के बारे में लिखता हूँ। ब्लैक कार्ड्स यानी काले पत्ते, जिसमें आपका पहला काला पत्ता कौन सा है? स्पेड, और क्या है? क्लब, फिर रेड आ जाता है डायमंड एंड हार्ट। स्पेड जो है वो आपका कैसे बनाता? ऐसे ही बनाता, ठीक है। हाँ, पेड़ नहीं है ये, पेड़ नहीं है। तो खामोद वर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा बातें आ रही, फिर बातें नहीं करो, पढ़ाई करो। तो ये हो गया, हाँ ये हो गया स्पेड। फिर आते हैं क्लब की बात, क्लब हो गया आपका, हाँ पेड़ जैसा ऐसा, ठीक है। इस टाइप का कुछ होता है, नीचे ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल नहीं ऐसे ही बनाया, ठीक है। फिर आगे नीचे जाते हैं, ये दोनों ब्लैक थे, अब किसकी बात करते हैं हम? रेड कलर, रेड कार्ड्स यानी लाल पत्ते। हाँ जी, लाल पत्ते जो आपके हैं उसमें आपका आ गया डायमंड एंड हार्ट। डायमंड आपका ऐसे 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 है, और हार्ट का ही पत्ता में बनाया था, कैसा था? हाँ उल्टा ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया, ये पकड़ो, हाँ। तो ये बन गए आपके, उसके बाद भैया बना दिए ना? हाँ जी। तो ये जो आपके बने, अच्छा ये स्पेड को क्या कहते हैं हम? हुकुम, क्लब, चुड़ी। तो दो काले हो गए आपके, डायमंड मतलब हो गया आपका ईट का, और हार्ट मतलब पान का पत्ता। तो ये पत्ते हैं। अब इनमें क्या होता है, इन सब में फेस कार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड, जो टेबल बना रहा हूँ याद कर लेना, चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते, जिसमें चेहरे वाले पत्ते की बात करता मैं, जिसमें पहला किंग हो गया सब में, किंग इसका भी है, किंग इसका भी है, और किंग इसका भी है। उसके बाद ये क्यून, क्यून हाँ, तो क्यून, क्यून और क्यून, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जैक, जैक, जैक और जैक। तो नोट करने की बात है, सबके जो जैक हैं वो कितने हैं? एक एक। तो चेहरे वाले कुल पत्ते कितने हुए यहाँ से यहाँ तक? कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं? तो यानी सबके 3-3 हैं, ये सुनो, ये हो जाती है। अब बचे कितने? 10। 10 से का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गिनती हो गई आपकी, ठीक है बेटा। ये 10 तक गिनती हो गई, 10 सबके हैं, इसका भी, इसका, इसका। अच्छा, जो पहला पत्ता होता है उसको क्या कहते हैं हम? इक्का। इक्के को कहते हैं एस, एस कार्ड है ना, इक्के को एस कहते हैं ना। जैक मतलब
है ना। और जो इक्का होता है, इक्का जो वन कार्ड से कहते हैं एस, क्या कहते हैं एस माने इस पर नंबर नहीं लिखा होता, याद है, सिर्फ सिंबल बना होगा, बस सिंबल बना होगा, हाँ ए बना होगा, ए बना होता है, याद है, हाँ बस इसलिए इसको एस कार्ड कहते हैं। ठीक है, लिख लिया, ये लिखो पूरा, सबके होंगे, दस दस सबके होंगे, लिखो फास्ट। हाँ हो गया बेटा, ये आपके एस कार्ड यानी आपके जो पहला नंबर का पत्ता है उसे एस कार्ड का कहते हैं, सब में होगा। तो टोटल मिलाकर हमने देखा 10 नंबर वाले कार्ड जिसमें 9 नंबर वाले कार्ड है, एक भी नंबर वाला है लेकिन उसको एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं या फर्स्ट नंबर का कार्ड है, 3 चेहरे वाले पत्ते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हुए, टोटल फेस कार्ड्स ऑफ डेक, हाँ 12 पत्ते हुए, 12 कार्ड्स, यानी एक गड्डी में जो चेहरे वाले पत्ते हैं, फेस कार्ड हैं, सब तीन तीन मिलाकर 12 हो गए। अच्छा अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक की बात करते हैं, सिर्फ ब्लैक की बात करते हैं कितने जाते हैं, सिर्फ रेड की बात करते तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फेस कार्ड की प्रॉबर्टी पूछेगा सिर्फ फेस कार्ड की, तो पूरी गड्डी लेकर मत बैठ जाना, उसमें से हमें 12 को टोटल है और उसमें से हमें 6 रेड या 6 ब्लैक के, और सिर्फ उसको पूछ लिया कि भाई वो निकालो प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्लब की, कि सिर्फ सिर्फ डायमंड की, सिर्फ सिर्फ स्पेड की, हार्ट की, तो हम सो इंडिविजुअली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे इन्होंने पूछा है, बाद में जो अगर नहीं पूछ पाएंगे उसके बाद हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहला जो पत्ता आपसे पूछा वो क्या होना चाहिए, किंग ऑफ रेड, किंग नहीं बोला, सिर्फ किंग बोलता तो हम सारे पत्ते ले लेते, और टोटल किंग कितने थे, 4, टोटल किंग 4 है ना पूरी डेक में, सबके अपने अपने, सबके अपने अपने हैं, और हमें हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने हैं, 2 है ना, तो अगर हम किंग ऑफ रेड कलर की, समझ आ रहा है, मैंने पूरा आपको समझा दिया, आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था ना जी, अगर किंग ऑफ रेड कलर लाल कलर के पत्ते के किंग, तो किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं बताओ, किंग ऑफ रेड कलर बोलो ना, 2 है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर हिंदी में, लाल पत्ते का राजा, 2 है ना, 2 है ना, तो हमारी पी 2 चलेगी ना, ये कैसा 2 है ना इज इक्वल टू, हाँ 2 कहाँ से आया, रेड कलर के किंग कितने हैं, ये पूरे तो टेबल बना दी, इधर ध्यान से देखो, किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं, तो प्रॉबिलिटी चल रही है किंग ई माने यहाँ पे घटना है, किंग ऑफ रेड कलर यहाँ पे लिख लो, ये पूरी क्या है तुम्हारी ई है ना, तो इवेंट जिसमें आपकी टोटल पत्ते कितने हैं, 52 दो से कितना हुआ 26, हाँ 1/26 यही आ रहा है। दूसरा पार्ट देखते हैं, लिखते जाओ, सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, आ फेस कार्ड, आ फेस कार्ड में चेहरे वाले पत्ते कितने हैं टोटल, 12 है ना, 12/52, हाँ क्या लिखोगे, आ फेस कार्ड, कैसे ने बोला है कौन सा फेस कार्ड है, हिंदी में चेहरे वाला पत्ता, हाँ तो प्रॉबिलिटी क्या लिखोगे यहाँ पर, फेस कार्ड हिंदी में चेहरे वाला पत्ता। अच्छा अभी बताओ, फेस कार्ड इसने बोला नहीं है कौन सा ले सकते हैं हम, तो हम सारे ले लेंगे, सारे कितने हैं, फेस कार्ड कितने टोटल 12, तो यहाँ पर 12/ कितने हैं, कितना हुआ हैं 3/ क्योंकि आपका 12 वर्ग है 3 × 12 और 13 × 52 4 × 4 3/ यही आ रहा आंसर। ठीक है, 2 आ गए, लिखते हो साबश, देखो फास्ट हो गया। अगला पार्ट क्या कहता है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन से बेसिक समझो, आर रेड रेड फेस कार्ड, आ गया ना रेड फेस कार्ड, रेड कितने हैं फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड 6 हैं, यस रेड कलर के आपके इधर वाले रेड है ना, 3 और 3
थ्री डायमंड ईट के और थी हार्ट पान के, यस और नो? थ्री डायमंड ईट के और थी हार्ट पान के। तो अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 14 के। क्वेश्चन 14 का थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? हाँ, आ रेड फेस कार्ड, नहीं, हाँ आ रेड फेस कार्ड, आ रेड फेस कार्ड कितने हैं? सिक्स हैं। कौन कौन से? थ्री डायमंड के और थ्री हार्ट के, यानी लाल पत्ते हैं। तीन डायमंड मतलब ईट के और तीन हार्ट मतलब पान के। तो क्या पता लग रहा है, समझ में आ रही है ना? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या निकालोगे? आ रेड फेस कार्ड, हिंदी में क्या लिखोगे? लाल चेहरे वाला पत्ता की प्रॉबर्टी क्या होगी? तो कहने का मतलब 6 ऊपर और 52 टोटल नीचे जाता है ना, हमेशा प्रॉबर्टी का फॉर्मूला था, है ना? तो कितना आएगा? 3/26, क्योंकि 2 3 6 और 26 2 52 2 से 2 कट गया और 3/26, यस और नो? अगला क्वेश्चन पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट कहता है इसका, द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट। अच्छा, ईट का एक जैक कितना होता है? सिर्फ एक ही तो है ईट का एक, जो जैक वाला क्या लिखा? हाँ, ईट का गुलाम है ना, गुलाम, जो जैक मतलब गुलाम, कितना? द जैक ऑफ हार्ट, हार्ट को पानी तो कहते हैं। वहाँ गौर से देखो ना भाई, चश्मा थोड़ा हिला के देखो, वहाँ क्या लिखा मैंने? पान का पत्ता। हाँ हाँ, तो प्रॉबर्टी क्या लिखेगी? अच्छा, कितने होते हैं? जैक ऑफ हार्ट एक ही तो होगा, एक ही तो है जैक। आ जैक सिर्फ हार्ट का बोला उसने, हार्ट का जैक तो एक ही है, आपको लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ? तो पी लिखो, द जैक ऑफ हार्ट ही तो है, क्या हुआ? 1/52, ये सुनो। हाँ जी, तो ये हो गया अगला, ये सही है। हाँ, अगला फोर्थ पार्ट देखो इसका, लिख लिया? हाँ, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? आ स्पेड, आ कितने स्पेड हैं? स्पेड का मतलब है आपका हुकुम, हुकुम के टोटल के पत्ते कितने हैं? उसने बोला कोई फेस कार्ड है या कोई स्पेशल वैरायटी के बारे में बताया उसने आपको, नहीं ना? तो आपको टोटल 13 पत्ते लेने हैं, ऐसा नो? तो प्रॉबर्टी क्या होगी? ई क्या है यहाँ पर? आ स्पेड, यानी घटना स्पेड की है। टोटल पत्ते नीचे जाएंगे 52 और 13 ऊपर, 13 6 52, यानी 1/52। कोई पूछना है यहाँ तक? गुड। फिर फिफ्थ, सिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन। हाँ, सिक्स पार्ट क्या कहता है? द क्यून ऑफ डायमंड्स, ये सुनो क्या है, द क्यून ऑफ डायमंड, द क्यून ऑफ डायमंड, यही तो है हिंदी में ईट की रानी, है ना? बेगम, हाँ ईट की बेगम। तो कितनी होती है ईट की बेगम? कितनी है? एक ही तो है। हाँ, तो क्या आएगी? पी देखो, द क्यून क्वीन ऑफ डायमंड, है ना? ईट की बेगम लिखो, कितनी हुई? 1/52, नीचे गए, जैसे और आंसर, ये सुन लो, किसको नहीं है इसमें?